Friends, my name is Manisha Badola and welcome to my YouTube channel MB's World. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बॉटल से एक पॉलिथिन बैग डिस्पेंसर बनाना सिखाऊंगी। तो ये 1.25 लीटर की माजा की बॉटल मैंने ली है, प्लास्टिक वाली। आप चाहें तो इससे बड़ी बॉटल ले सकते हैं, बट छोटी मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर आपके पॉलिथिन बैग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। मिनिमम इतना साइज़ ज़रूर लीजिएगा। तो पहले मैं इसको शेप दे देती हूँ एक, तो इसको मैं एक मास्क शेप में बना रही हूँ। तो चलिए पहले थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं। ये आईज बनेंगी, और ये मैं इसका माउथ बनाऊंगी, और यहां से मैं इसको कट करूंगी। ऊपर से हमने आईज को कट नहीं करना है, वी आर ओनली गोइंग टू कट दिस एरिया एंड वी विल कट दिस एरिया। तो ये मैंने कट कर लिया है और ये मैंने कट कर लिया है। अब इसके एज क्योंकि शार्प हैं तो हम सैंड पेपर की हेल्प से इसको थोड़ा सा घिस लेंगे। अब हम इसके कॉर्नर्स में यहाँ 2 छेद करेंगे ताकि हम इसको हैंग कर सकें। आप चाहें तो इस जगह एक होल कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली भी हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको कलर करूँगी। अब कलर करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, फेविक्रिल का डार्क ब्राउन कलर का शेड, एंड आईज मैं वाइट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द कलरिंग। मैं कलर करने के लिए स्पॉन्ज का यूज़ करूँगी ताकि इवन कोटिंग आए। सबसे पहले मैं इसके आईज के आसपास ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, बिकॉज स्पॉन्ज की हेल्प से थोड़ा करना डिफिकल्ट होगा। अगर ब्लैक कलर है तो एक कोट में काम चल जाएगा, बट अगर आप कोई और कलर ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्राउन कलर लिया है, तो मुझे 2 to 3 कोटिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि डिजायर्ड इफेक्ट आ सके। चलिए देखते हैं कि पॉलिथिन बैग डिस्पेंसर के अंदर हमें पॉलिथिन्स किस तरीके से अरेंज करनी है। तो सबसे पहले आप सारी पॉलिथिन्स को लीजिए। सभी पॉलिथिन्स को आपने मिड से इस तरीके से फोल्ड करना है। सो लंबाई में आप इसको फोल्ड कर दीजिए सभी को। ओके, अब मैंने ये एक पॉलिथिन ले लिया है। इसको आपने, जो पॉलिथिन आप ले रहे हैं उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको रोटेट करना है, रोल करना है। जैसे ये ख़त्म होने वाली होगी आप इसमें दूसरा पॉलिथिन ऐड करेंगे। मैं ये वाला एज ऐड कर रही हूँ ताकि पुल करने में आसानी रहे। इसी तरीके से तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। आप चाहें तो, मैं यहाँ पर 6-7 पॉलिथिन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 10-12 जितने भी आपको लगाने हैं आप उतने लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसका रोल बनाएंगे। तो चलिए अब इसको डिस्पेंसर में डाल के देख लेते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।